हेलो 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 हाँ जी नमस्कार विद्यार्थियों स्वागत है आप सभी का एसएल एस एल परिवार की लेटेस्ट क्लास में, कम, इस क्लास में हम मानक फलनों के बारे में डिस्कशन करेंगे कैलकुलस की शुरुआत में आज की जो क्लास है वो बहुत ज्यादा जरूरी क्लास है क्योंकि आज हम सभी फंक्शन के बारे में डिस्कशन करेंगे जो कि पूरे साल हमारे काम आने वाले हैं आगे आने वाले हर एक चैप्टर के हर एक क्वेश्चन में कहीं ना कहीं यही फंक्शन आपको दिखाई देंगे इनमें से एक दो फंक्शन ऐसे हैं जो आपको बहुत तकलीफ देते हैं जैसे आपका मॉड्युलस फंक्शन है और आपका जी यानी महत्तम पूर्णांक फलन है तो उन सबको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि थोड़ा बहुत आप क्लास इलेवंथ में पढ़ के आए होंगे अगर नहीं भी पढ़ के आए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अगर पहले पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है नहीं पढ़ा तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है बस आज की क्लास को ध्यान पूर्वक देखना एक भी चीज़ को मिस मत करना कि आज हम जो भी कुछ पढ़ने वाले हैं ये पूरे साल हमारे काम आने वाला है और कुछ आपके यूनिवर्सल कंफ्यूजन होते हैं मतलब हर क्लास में मुझे कुछ कंफ्यूजन हमेशा ही दिखाई देते हैं जब 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 भी हम कैलकुलस के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उन कंफ्यूजन का भी हम समाधान आज कर ही लेंगे ठीक है अरे बेटा प्रेम मैं टाइम से ही आता हूँ बेसिकली इस क्लास से जस्ट पहले आपकी फिजिक्स की क्लास होती है तो जैसे ही आशीष सर की क्लास कंप्लीट होती है उसके बाद में क्लास को लाइव करता हूं अगर उससे पहले मैंने क्लास को स्टार्ट कर दिया तो आप एक ही समय पर दो टीचर से अलग अलग कैसे पढ़ोगे ठीक है क्लियर तो ऑडियो वीडियो परफेक्ट है क्लास को हम स्टार्ट करें ऑडियो वीडियो परफेक्ट है क्लास को हम स्टार्ट करें चलिए तो अभी तक जिन बच्चों के पास हमारे ये तीन नंबर सेव नहीं है वो पहली फुर्सत में सबसे पहले इन तीन नंबर को सेव कर लेना क्योंकि ए से जुड़ी हुई कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए बस आपको इन तीन नंबर पर फोन करना है और ए पर इस साल जो हमारा टारगेट है हम दो टारगेट लेकर चल रहे हैं कि एक तो हमारे हर बच्चे के बोर्ड में सौ में से सौ नंबर आए इसलिए हम बोर्ड की पढ़ाई बहुत डिटेल में करेंगे किसी भी चीज को छोड़ेंगे नहीं इवन इलेवंथ का भी थोड़ा बहुत अगर हमें पढ़ना पड़ा तो हम पढ़ लेंगे ताकि जब हम एग्जाम में पेपर लिखने बैठे तो हमसे छोटी सी भी गलती ना हो दूसरा ऑब्जेक्टिव हमारा ये है कि हमें जे डबल ई में एक अच्छी रैंक लेकर आनी है इसके लिए रोजाना साढ़े सात से साढ़े आठ यानी इस क्लास के जस्ट बाद आपकी जे डबल ई की क्लास होती है वो हमारे इस चैनल पर होती है ए एस एल आई आई टी जे डबल ई नीट हिंदी मीडियम तो इस क्लास के जस्ट बाद आप उस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप किसी अच्छी कॉम्पिटिशन एग्जाम या जेडल देने में इंटरेस्टेड है तो ठीक है चलो तो स्टार्ट करें क्या पढ़ना है आज हमें मानक फलन <coughs> मैं एक बार फिर से रिपीट करके बोल रहा हूं कि आज की क्लास बेहद बेहद जरूरी क्लास है अगर आज की क्लास को आप मिस करोगे फिर रोजाना मेरे से आप क्वेश्चन पूछोगे कि ये सर ये चीज आपने सर कैसे लिख दी ये वाला क्वेश्चन आपने कैसे सॉल्व कर दिया क्योंकि इस क्लास से एक एक टॉपिक आज पढ़ा हुआ एक एक टॉपिक आप इस पूरे साल में कम से कम पचास बार रिवाइज करोगे क्योंकि हर एक टॉपिक से जुड़ो जुड़ा हुआ कम से कम पचास क्वेश्चन आप आगे इस पूरे साल में सॉल्व करने वाले हो ठीक है चलिए डन है सबसे पहला जो हमारा मानक फलन है सबसे पहला जो हमारा मानक फलन है वो आप सभी जानते होंगे वो है आपका अचर फलन। सर अचर फलन क्या होगा अचर फलन बेसिकली एक ऐसी मशीन है जिसके अंदर आप कुछ भी इनपुट कर दो आपका मन करे कोई भी वैल्यू जिसके अंदर आप एंटर कर दो आउटपुट हमेशा आपको एक ही संख्या मिलती है फंक्शन में पहले से परिभाषित होती है अचर फलन का मतलब क्या हुआ सर ये एक ऐसा फलन होगा एफ एक्स बराबर सी टाइप का सी एक नियतांक है एक कांस्टेंट वैल्यू है तो यहां पर आप एक्स का कुछ भी मान पुट करो जो आपका मन करे वो एक्स की वैल्यू पुट कर देना रिजल्ट हमेशा आपको एक ही मिलेगा वो रिजल्ट क्या होगा सी के बराबर होगा और क्या मैं एफ एक्स को बाई के बराबर लिख सकता हूं हम बेसिकली एक्स बाई प्लेन से कंफर्टेबल होते हैं ना सर अगर आप एफ एक्स के अंदर एक्स की वैल्यू पुट करोगे तो जो मान मिलेगा हम उसको वाई अक्ष पर प्लॉट करेंगे तो ये वैल्यू तो एक्स अक्ष पर चली जाएगी और एफ एक्स जो मिलेगा वो क्या है कि फंक्शन के अंदर एक्स की वैल्यू को हमने एंटर किया तो जो मान हमें मिला वो एफ एक्स हो गया तो ये क्या होगा एज ए वाई कोऑर्डिनेट हम ट्रीट कर सकते हैं क्लियर है चलो तो इसका ग्राफ बनाना आता है सर बड़ा आसान ग्राफ है इससे आसान ग्राफ तो हमने किसी चीज का भी नहीं देखा है कैसा ग्राफ होता है इसका सर इसका ग्राफ होता है ये रहा आपका वाई अक्ष ये रहा आपका एक्स अक्ष ठीक है और अगर मैं सी को इस जगह मान लेता हूं अगर मैं सी को यहां पर मानता हूं तो आप एक्स का कुछ भी मान पुट करना वाई की वैल्यू हमेशा आपको सी मिलेगी तो सर एक सुंदर सा छोटा सा ग्राफ हमको मिलेगा वो ग्राफ कैसा होगा इस तरह का रहेगा ठीक है क्लियर? और क्या क्या निकाल लें? इस फंक्शन का प्रांत मुझे कौन बता सकता है और परिसर मुझे कौन बता सकता है देखते हैं किसका आंसर सही आता है यह रहा आपका मूल बिंदु यह है हमारा एक्स एक्सिस यह है हमारा वाई एक्सिस यह है हमारा माइनस का एक्स ये है हमारा माइनस का वाई मेरा बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है आपसे कि इस फलन का प्रांत क्या होने वाला है और इस फलन का परिसर क्या होने वाला है सर ये दोनों क्या बला है हमने ग्यारहवीं में पढ़ा था फिर भी मैंने कल की क्लास में रिपीट कराया था क्योंकि हमारे बड़े काम आने वाले हैं बताओ जल्दी से सरल भाषा में पढ़ाए बिल्कुल सर और बताइए और कुछ आपकी ख्वाहिश और कोई तमन्ना क्या था इस बच्चे का नाम देवेश हम्म डोमेन क्या है अब देखो मैं आपको कुछ नियम बताता हूं जो आपके काम आने वाले हैं क्या है नियम जब हमें प्रांत देखना होता है प्रांत का मतलब ये है कि ऐसे वैल्यूज जहां पर हमारा फलन परिभाषित है जिन वैल्यू को या जिन मानों को हम फंक्शन के अंदर रख सकते हैं वो हमारा प्रांत होता है करेक्ट है तो हम वैल्यू रखते किसकी हैं हम वैल्यू रखते हैं एक्स की तो प्रांत हम निकालेंगे एक्स अक्ष पर जब हमें प्रांत निकालना होगा तो हम एक्स अक्ष पर जाकर चेक करेंगे परिसर क्या होता है सर फंक्शन के अंदर हमने इनपुट डाला हमें आउटपुट मिला आउटपुट का जो समूह है वो हमारा परिसर है तो आउटपुट आपको कहां मिलेगा वाई अक्ष पर मिलेगा तो जब परिसर चेक करना हो तो हम कहां जाएंगे हम वाई अक्ष के अनुदेश जाकर चेक करेंगे ठीक है प्रांत अगर हमें चेक करना है तो कोने में लिख लो हमें चेक करना होता है एक्स अक्ष अगर परिसर मुझे चेक करना है तो हमें चेक करना होता है वाई कॉमन सेंस से भी आप प्रांत बता सकते हो ग्राफ देख के भी आप प्रांत बता सकते हो दोनों तरह से हम प्रांत निकालेंगे क्या इस फंक्शन में कोई आपको एक्स का ऐसा मान दिख रहा है जिसे आप एंटर नहीं कर सकते सर यहां पर एक्स का हर एक मान रखा जा सकता है तो कॉमन सेंस ये बोलता है कि इसका प्रांत पूरी की पूरी वास्तविक संख्या होने वाली है यानी कि इसका प्रांत आर होगा तो आपका कॉमन सेंस एकदम सही है आपका कॉमन सेंस एकदम परफेक्ट है ठीक है अब ग्राफ से देखते हैं तो अगर प्रांत निकालना है तो ग्राफ पर आप एक्स अक्ष के अनुदेश चलना स्टार्ट करना और देखना कहीं ऐसा पॉइंट तो नहीं है आपको एक्स का कोई ऐसा मान तो नहीं मिला जहां पर आपको वाई की कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही हो मैंने क्या बोला वापस समझो आप प्रांत देखने के लिए एक्स अक्ष के अनुदेश जाकर एक्स अक्ष के अनुद्र चलकर देखोगे कि सर कहीं एक्स अक्ष पर कोई ऐसा बिंदु तो नहीं है जिसके लिए हमने एक्स के मान को नहीं लिया है या कोई ऐसा बिंदु तो नहीं है जहां पर एक्स के मान के ना होने के कारण हमें ग्राफ दिखाई नहीं दे रहा है एक ही बात है दोनों ठीक है तो अगर माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी की तरफ चलना स्टार्ट करोगे तो हर जगह आपको ग्राफ दिखेगा यानी प्रांत क्या है आपका आर है ठीक है परिसर क्या होता है सर परिसर होता है इनपुट डालने के बाद जो आउटपुट मिला है उसका समूह तो मैंने इनपुट क्या किया मैंने एक्स को इनपुट किया मुझे क्या मिला मुझे वाई की वैल्यू मिली तो वाई एक्स पर चलकर देखो वाई अक्ष पर जाकर देखो कि आपको कौन कौन से मान मिल रहे हैं सर मैं माइनस इन्फिनिटी से चलना स्टार्ट किया मुझे वाई अक्ष पर एक भी वैल्यू नहीं दिखी है मैंने माइनस इंफिनिटी से चलना स्टार्ट किया वाई अक्ष पर एक भी वैल्यू नहीं है मैं जीरो तक आया मुझे कुछ नहीं मिला मैं जीरो से आगे बढ़ा मुझे कुछ नहीं मिला केवल ये पॉइंट सी ऐसा है जो मुझे इकलौता पॉइंट मिला है सी के बाद भी मुझे कुछ नहीं मिला तो एक्स का मान इन करने के बाद एक्स का मान इन करने के बाद मुझे आउटपुट में केवल एक बिंदु मिला है वो बिंदु क्या है सी तो मेरा परिसर यानी कि रेंज क्या बनने वाला है रेंज केवल और केवल एक बिंदु सी मुझे मिलेगा क्लियर डन है क्वेश्चन समझ आ गया आगे बढ़े विमल बेटा अभी जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ाई करो चलो आगे बढ़े दूसरा हमारा फलन है आ, तत्समक फलन नाम ही आपको याद ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता आइडेंटिटी फंक्शन कोई दिक्कत तो नहीं है ना सब समझ आया सब कुछ चलो आगे बढ़ते हैं तो तत्समक फलन जैसा कि नाम ही बताता है कि आइडेंटिटी मतलब जैसा आप इन करोगे ऐसा आपको आउटपुट मिलेगा जो अवयव आप फंक्शन के अंदर डालोगे वही अवयव आपको बाहर निकल कर मिलेगा तो इस फंक्शन को किस तरह से परिभाषित करते हैं सर ये एफ एक्स बराबर एक्स होगा कैसे कि सर जो आपने एक्स की वैल्यू अंदर डाली है वही वैल्यू आपको बाहर मिलेगी और एफ को हम वाई के रूप में भी जानते हैं क्लियर है परफेक्ट है हमें क्या करना है इसका ग्राफ बनाना है तो सर इसका ग्राफ तो हमने बहुत पहले से बनाना सीखा हुआ है कैसे सीखा हुआ है ये रहा वाई अक्ष ये रहा एक्स अक्ष ठीक है ये है हमारा एक्स अक्ष ये है हमारा वाई अक्ष ये है हमारा मूल बिंदु ओ तो वाई बराबर एक्स का ग्राफ कैसा होगा सर जब एक्स का मान वन रखेंगे तो वाई का मान वन आएगा तो अगर ये पॉइंट वन है और ये पॉइंट वन है तो मुझे यहां पर एक बिंदु मिलेगा जब x को वन इन करोगे तो आउटपुट क्या मिलेगा एक मिलेगा जब x को इनपुट आप टू करोगे तो आउटपुट क्या मिलेगा आपको टू मिलेगा और आपको अच्छे से पता है कि सर ये रैखिक समीकरण है रैखिक समीकरण सरल रेखा को व्यक्त करती है सरल रेखा पर अगर आपको दो पॉइंट मालूम हो तो आप आसानी से ग्राफ बना सकते हो क्लास नाइन्थ में हम ऐसा किया करते थे तो आपको ग्राफ कैसा मिलेगा सर हमें ग्राफ कुछ इस तरह का मिलेगा किसका ग्राफ है सर ये है ये है ये वाई बराबर एक्स का ग्राफ क्या बात समझ आ गई सबकी इंग्लिश भी बताऊं कांस्टेंट फंक्शन ठीक है प्रांत को डोमेन बोलते हैं परिसर को रेंज बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन क्लियर कोई डाउट अब क्या करें सर हमें प्रांत और परिसर दो चीज और मालूम करनी है तो बताओ इसका प्रांत क्या होगा और इसका परिसर क्या बनने वाला है जल्दी से कमेंट करके बताओ मुझे इस फंक्शन का प्रांत क्या होगा सर प्रांत देखने का एक ही तरीका है ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन क्या बोलती है क्या इस फंक्शन में कोई एक्स का ऐसा मान है जो आप एंटर नहीं कर सकते सर इसके अंदर सब कुछ एंटर किया जा सकता है दूसरा तरीका एक्स अक्ष के सहारे सहारे चलना स्टार्ट करो क्या सारी एक्स की वैल्यू ली गई है हाँ सर सारी x की वैल्यू ली गई हैं तो प्रांत तो पूरी की पूरी वास्तविक संख्याएं होंगी जिन्हें हम आर से व्यक्त कर सकते हैं और हम ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी क्लियर है क्लियर परफेक्ट है परिसर के बारे में क्या ख्याल है सर क्लास को रिस्टार्ट कब से करेंगे बेटा देखो यार तुम लोग मतलब रोजाना क्लासे नहीं लेते हो तकलीफ ये है ऑनलाइन की कि बच्चा कभी भी कहीं से उठ के आ जाता है क्या तकलीफ है कि बच्चा कभी भी कहीं से उठ के आ जाता है कल की क्लास से एज ए रीस्टार्ट समझ के चलो आप क्योंकि संबंध जो हमने पढ़ा है वो अब हमारे आगे कहीं काम नहीं आने वाला तो संबंध को तो मैं कभी भी रिवाइज करा दूंगा अगर आप कल की क्लास से भी जुड़ गए और कल का छोड़ो आज से भी जुड़ गए तो आपको कहीं ऐसा फील नहीं होगा कि आपने पुराना नहीं पढ़ा है ठीक है <coughs> चलो आगे बढ़े अब क्या करें सर परिसर कैसे निकाल लें अक्ष के सहारे सहारे चलकर देखो कौन कौन से मान आ रखे हैं सर हम वाह अक्ष के सहारे सहारे चले तो जब मैं माइनस इन्फिनिटी की तरफ रहता हूं तो मुझे कुछ ना कुछ मान मिलेगा जब मैं यहां पर हूं तो मुझे कुछ ना कुछ वाई का मान मिला यहां पर हूं कुछ ना कुछ मान मिला यहां भी कुछ मान मिल रहा है यहां भी कुछ मान है यहां भी कुछ मान है यहां भी कुछ मान है, यहां भी कुछ मान है, यहां भी कुछ कुछ मान मान है है मतलब माइनस इन्फिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक वाई अक्ष पर हर एक बिंदु की वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है तो मेरा परिसर क्या होगा मेरा परिसर भी आर बनने वाला है क्या होगा मेरा परिसर भी आर ही बनने वाला है क्या ये बात आपके समझ में आ गई क्लियर है परफेक्ट है चलो नीरज ये समझ नहीं आया कोई बात नहीं ठीक है यह समझ नहीं आया ये समझ आ गया यहां से आगे बढ़ जाओ अब आगे बढ़ते हैं तीसरा फंक्शन इसका कोई नाम में नहीं दे रहा क्योंकि नाम में कुछ नहीं रखा पर यह बहुत काम का फंक्शन है इसके बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे y बराबर एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर बड़े सारे क्वेश्चन आप इस साल में सॉल्व करने वाले हो एक्स इसको आप क्वाड्रेटिक फंक्शन या द्विघात फलन बोल सकते हो आप इसको परवलय भी बोल सकते हो पर उन नामों में मैं जाना ही नहीं चाहता आपको सिंपल स्क्वायर के रूप में ही इसे याद रखना है पहला काम इसका ग्राफ कैसा बनता है चलो एक बार बताओ मुझे कॉमेंट करके इसका ग्राफ बनता कैसा है y बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ हम कैसे बनाते हैं आपको ये सारे ग्राफ याद रखने हैं ये ग्राफ काम आएंगे आपके ठीक है क्वेश्चन अगर आप आसानी से करना चाहते हो और बड़ी स्पीड से करना चाहते हो और गलती नहीं करना चाहते हो तो ग्राफ आपको मालूम होने चाहिए और बहुत ज्यादा ग्राफ नहीं है थोड़े से ही ग्राफ हैं तो y बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ आपने पढ़ा होगा कुछ इस तरह का बनता है कैसा बनता है कुछ इस तरह का बनता है क्लियर है ठीक है एक कटोरा टाइप बनेगा जिसका मुंह ऊपर की तरफ होता है थोड़े ज्यादा पढ़े लिखे बच्चे इसको परवल्य के रूप में जानते हैं क्योंकि वो ग्यारहवीं पढ़ के आए हैं ठीक अगर आप परबल के रूप में नहीं जानते हमारा कोई अभी अगले दो तीन चार महीने तक कोई फर्क नहीं पड़ना हमारी जिंदगी में हम तो ऐसे भी समझ लेते हैं तो हमारा काम हो जाएगा ठीक अब मुझे एक बात बताओ कि ये जो फंक्शन आपको दिख रहा है इसका प्रांत और परिसर क्या होने वाला है करो कमेंट। इस फंक्शन का प्रांत और परिसर क्या होगा पैरा बोला बोलते हैं बेटा जिसको नाम चाहिए ही चाहिए उसको परवले बोलते हैं पर नाम में कुछ नहीं रखा जैसा बोलूं ऐसा कर लिया करो ज्यादा दिमाग लगाना सेहत के लिए हानिकारक होता है हम्म प्रांत परिसर काम की बात काम का आंसर करो कि इसका प्रांत क्या होगा इसका परिसर क्या होगा सर चलो निकालना स्टार्ट करते हैं प्रांत यानी डोमेन डोमेन निकालने का तरीका एक तो ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन कैसे काम करेगा सर क्या कोई एक्स का ऐसा मान है जो यहाँ नहीं रखा जा सकता एक्स का ऐसा कोई मान नहीं है जो यहाँ नहीं रख सकते सारी वैल्यूज को एक्स स्क्वायर में पुट किया जा सकता है तो प्रांत क्या होगा प्रांत आपका होने वाला है आर सेकेंड तरीका ग्राफ से देखना भी हमें आना चाहिए अगर मैं एक्स के सारे सारे माइनस इनफिनिटी से प्लस इंफिनिटी की तरफ चलता जाऊंगा तो हर पॉइंट पर मुझे ऐसा दिखेगा कि हर पॉइंट पर एक्स के सापेक्ष एक वाई की वैल्यू है हर पॉइंट पर एक्स के सापेक्ष एक वाई की वैल्यू है यानी हर एक्स को काम में लिया गया है तो प्रांत क्या होगा आर होगा आर यानी वास्तविक संख्याएं इन्हें कुछ बच्चे ऐसे भी लिखते हैं कैसे लिखते हैं माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी दोनों पर ओपन इंटरवल क्लियर है परिसर के बारे में क्या ख्याल है हम्म परिसर के बारे में क्या ख्याल है रेंज क्या आने वाली है अरे यार जीरो प्लस जीरो माइनस इतने पढ़े लिखे बच्चे भी हैं कि हमारे पास गज्जब क्या करें यार ये प्रिंस बेटा तो मतलब स्टूडेंट ही है या कुछ और कहानी है मतलब इसकी रोजाना वो आदत है एक कमेंट लेके आएगा उसको कॉपी करेगा और उसको लगातार पूरी क्लास में पेस्ट करता रहेगा फिर क्लास के एंड में बोलेगा कि सर मेरे समझ नहीं आया क्लियर है अब मैथमेटिक्स शायद समझ आने लग गई हो तो पूरी क्लास में वो फिजिक्स केमिस्ट्री की बातें पूछता रहेगा फिर जब क्लास खत्म होने वाली होगी तब बोलेगा सर मेरे समझ नहीं आया तो अगर आप स्टूडेंट हो तो पढ़ लिया करो और ना हो तो फिर कहीं और जाके काम करो ना जो कर रहे हो क्लियर है चलो तो सर परिसर देखना हम सीखते हैं और परिसर हम ग्राफ की मदद से ही सीखेंगे इसमें देखो क्या माइनस इंफिनिटी से लेकर जीरो तक कहीं भी आपको ग्राफ दिख रहा है क्या सर ग्राफ कहीं भी नहीं है ग्राफ तो ऊपर की तरफ है तो ये जो वाई की वैल्यू है यहां से लेकर यहां तक हमें कोई भी वाई का मान नहीं मिलेगा वाई का मान हमें कहां से मिलना स्टार्ट हुआ है पहला वाई का मान मुझे यहां मिला है ये वैल्यू कितनी है जीरो इसके बाद जैसे जैसे मैं ऊपर जाता जाऊंगा, वाई की वैल्यूज मुझे मिल रही हैं। जब मैं ये बोल रहा हूं कि मुझे वाई का ये मान मिला तो ये मान कहाँ मिलेगा मुझे इस एक्स के लिए मिलेगा जब एक्स का मान मैं एक्स वन पुट करूंगा तो मुझे यहाँ पर वाई वन मिलेगा जब मैंने बोला मुझे यहाँ पर वैल्यू वाई जीरो मिली है ये कहाँ मिली है जब मैंने यहाँ पर वैल्यू एक्स जीरो पुट की है तो मुझे वाई जीरो मिला है इस तरह से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ तो हमें दिख गया है कि सर ग्राफ जो है वो जीरो से लेके ऊपर की तरफ बना हुआ है यानी वाई पर कौन कौन से मान आपको मिलेंगे सर वाई का एक मान जीरो मिल सकता है और जीरो से लेके ऊपर के सारे वैल्यूज हमें मिलेंगी तो परिसर क्या होगा क्लोज इंटरवल क्लोज इंटरवल क्लोज इंटरवल क्यों क्योंकि जीरो वैल्यू आपको मिली है जीरो से लेके इन्फिनिटी बात समझ आ गई क्लियर जीरो से लेके इंफिनिटी जीरो पर क्लोज इंटरवल है जीरो की वैल्यू मिलेगी जब एक्स का मान जीरो होगा तो वाई का मान जीरो हमें मिलेगा क्लियर और दूसरा तरीका कोई दूसरा तरीका है पर रहने दो ये तरीका बेहतर है चलो अब थोड़ी सी दिमाग की एक्सरसाइज करते हैं हल्की सी दिमाग की कसरत करते हैं अगर मैं इसमें थोड़ा सा चेंज कर दूं हल्का सा चेंज कर दूं यही फंक्शन है इसको पार्ट ए लख लो और इसका पार्ट बी मैं आपसे पूछता हूं मैंने हल्का सा चेंज किया वाई बराबर एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वन पुट किया ठीक है पहला सवाल इसका ग्राफ आपके हिसाब से कैसा बनना चाहिए सेकंड सवाल इसका प्रांत क्या आना चाहिए थर्ड क्वेश्चन इसका परिसर क्या आना चाहिए क्या चीजें ग्राफ आपके अकॉर्डिंग कैसा बन सकता है दूसरा तरीका इसका प्रांत क्या होगा और इसका परिसर क्या होगा तो देखो एक बात बताओ मुझे कि सर ये रहा वाई अक्ष और ये रहा एक्स अक्ष ठीक है ये मूल बिंदु ओ है ये हाँ है हमारा एक्स एक्सिस ये है हमारा वाई एक्सिस अब बात को समझना इस फंक्शन में क्या था जब x का मान जीरो है तो y का मान जीरो है तो x का मान जीरो है तो y का मान जीरो हमें मिल गया जैसे जैसे मैं एक्स का मान बढ़ाता जाऊंगा ऐसे ऐसे वाई का मान बढ़ता जाएगा ये हमें दिख रहा है इसमें क्या अलग है सर जब मैं एक्स का मान यहां पर जीरो रखता हूं तो वाई का मान मुझे वन मिल रहा है जब मैंने एक्स का मान जीरो रखा तो वाई की वैल्यू मुझे वन मिल रही है फिर जैसे जैसे मैंने एक्स को बढ़ाया ऐसे ऐसे वाई भी बढ़ता जाएगा जैसे जैसे एक्स को इंक्रीज करोगे ऐसे ऐसे वाई की भी आपको बढ़ी हुई वैल्यू मिलना स्टार्ट करेगी क्या इस ग्राफ में और इस ग्राफ में कोई समानता होगी सर एक समानता हो सकती है वो समानता क्या है कि यहां पर x के लिए जो y का मान मिला है उसमें और इस ग्राफ में क्या होगा कि यहां जो भी x के लिए y का मान मिला है इस जगह पर उसी x के लिए y के मान में एक और जुड़ जाएगा क्या मेरी बात समझ आई मैंने क्या बोला मैंने ये बोला कि अगर मैं यहां पर x बराबर वन पुट करता हूं तो y का मान वन मिलेगा यहां पर अगर मैं x बराबर वन पुट करता हूं तो y का मान टू मिलेगा मतलब इस जगह जो y का मान था उसमें एक अधिक मिलेगा अगर मैं यहां पर x का मान टू पुट करता हूं तो y का मान फोर मिलेगा अगर मैं यहां पर x का मान टू पुट करता हूं तो y का मान पांच मिलेगा तो क्या दिख रहा है कि सर जिस x के लिए यहां पर हमें y की वैल्यू दिखी है उसी एक्स के लिए यहां पर वाई की वैल्यू में एक जुड़ जाएगा बस इतना सा अंतर है तो क्यों ना मैं एक काम करूं कि ये जो ग्राफ है इसको एक इकाई ऊपर ले जाऊं ऊपर क्यों ले गया क्योंकि सर एक्स पे वाई का जो मान मिल रहा था यहां पर उसी एक्स पर वाई की वैल्यू तो मुझे मिलेगी पर एक नंबर से बढ़कर मिलेगी तो अगर मैं इस ग्राफ को जस्ट ऊपर की तरफ उठा दूं एक इकाई से इस ग्राफ को मैं जस्ट ऊपर की तरफ उठा दूं एक नंबर से तो क्या मेरा परपस सॉल्व हो जाएगा हाँ सर हो जाएगा क्यों सर यहां पर x x बराबर वन था अब यहां x बराबर वन पर y बराबर टू आ जाएगा यहां x बराबर टू पर y चार था यहां x दो पर y पांच हो जाएगा क्यों क्योंकि हर x के लिए इसमें जुड़ गया ठीक है समझ में आया बहुत अच्छी बात है समझ नहीं आया तो हम इस ग्राफ को याद रखेंगे वैसे समझ में आ गया होगा 90% परसेंट बच्चों को क्लियर है अब मुझे बताओ प्रांत क्या होगा और परिसर क्या होने वाला है वापस से रिपीट कर रहा हूं आज की क्लास आपके पूरे साल में आने वाले बहुत सारे डाउट को क्लियर कर देगी अगर ढंग से समझोगे तो बहुत सारे डाउट आपको आएंगे ही नहीं क्लियर परफेक्ट है हम्म प्रांत और परिसर बताओ जल्दी से सर देखो प्रांत तो बड़ा आसान है एक्स स्क्वायर प्लस वन में एक्स का सारे मान रखे जा सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है वैसे भी मैं एक्स अक्ष के अनुदेश अगर चेक करूंगा तो मुझे एक्स के सारे मान दिख रहे हैं तो प्रांत तो आपका आ गया आर परिसर कैसे चेक करें परिसर को वाई अक्ष के अकॉर्डिंग जाकर चेक करो सर वाई अक्ष पर वैल्यू कहाँ है सर माइनस इनफिनिटी से लेके जीरो तक कोई वाई पे मान नहीं है जीरो से लेके वन तक कोई वाई पे मान नहीं है पहली वैल्यू वाई की वन मिली है और उसके बाद वाई की सारी वैल्यूज आपको मिलती जाएंगी जो भी मान चाहिए आपको मिल जाएगा वो ग्राफ से दिख रहा है कैसे अगर आपको वाई बराबर टू चाहिए तो ग्राफ पर लंब डालना इसे यहां लंब डाल देना इस जगह मिल जाएगा y बराबर पांच चाहिए तो पांच वाला पॉइंट पकड़ना इधर लंब डालना इधर लंब डाल देना वो मिल जाएगा परफेक्ट है तो परिसर क्या होगा वन टू इंफिनिटी एक पर ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल खुला अंतराल अंतराल। सर एक का मान इंक्लूडेड है तो एक पर क्लोज इंटरवल लगाना है क्या करोगे एक पर क्लोज इंटरवल लगाओगे कोई डाउट हर एक बच्चे के बात समझ में आनी चाहिए हर एक के समझ आनी चाहिए कैलकुलस की शुरुआत है यहीं से पिछड़ जाओगे तकलीफ में रहोगे और यहां से समझ आएगा तो ऐसा लगेगा सर इससे आसान कुछ नहीं है लाइफ में सारे क्वेश्चन में मन से सॉल्व कर पाता हूं क्लियर है परफेक्ट आगे बढ़ते हैं कौन सा था ये थर्ड ग्राफ था ना फोर्थ ग्राफ पे चलते हैं वाई बराबर एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब इसमें मैं आपसे ज्यादा दिमाग लगाने की उम्मीद नहीं रख रहा हूं एक ग्राफ आपके सामने बनेगा आप अगर आपको थोड़ा सा रिसर्च करना है तो बिंदु डाल डाल के देख लेना कि ग्राफ ऐसा बनेगा या नहीं बनेगा बाकी हम इन फ्यूचर याद रखेंगे कि सर क्यूब का ग्राफ ऐसा होता है ठीक है कैसे बनेगा ग्राफ सर एक्स क्यूब का ग्राफ कुछ इस तरह से होता है क्यूब का एक बड़ा सुंदर सा ग्राफ होता है और वो ग्राफ कुछ इस तरह का होता है ये किसका ग्राफ है ये है वाई बराबर एक्स क्यूब का ग्राफ क्लियर ऐसा क्यों बना उसके बहुत सारे रीजन है अभी तक हमने उतना पढ़ाई करी भी नहीं है पर मोटा मोटा रीजन आपको चाहिए तो आप देख सकते हो सर जब x का मान जीरो है y का मान जीरो मिलेगा x का मान रख वन रखोगे y का मान वन रख मिलेगा x का मान टू रखेंगे y का मान आठ मिलेगा x का, का, का मान तीन रखेंगे y का मान सत्ताइस मिलेगा मतलब एक के मान एक के बाद x का मान एक से बड़ा रखने पर y की वैल्यू बहुत तेजी से बढ़ रही है एक पर एक दो पर आठ तीन पर सत्ताईस चार पर चौंसठ तो सर हमारा ग्राफ भी बहुत तेजी से ऊपर बढ़ेगा इससे ज्यादा एक्सप्लेनेशन में अभी नहीं देना चाहता साल के एंड में मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे दूंगा जब हम पूरा पढ़ चुके होंगे कैलकुलस को कि ग्राफ ऐसा ही क्यों बना इसका मुंह ऊपर क्यों है इसका मुंह नीचे क्यों है ये कर्व यूं जाके यूं क्यों गया यूं जाके यूं क्यों गया सब एक्सप्लेनेशन आपको मिलेंगे साल के अंत में जब पूरा कैलकुलस पूरा हो जाएगा तब आपको हर चीज का जवाब मिलेगा ठीक है परफेक्ट है चलो हमें क्या करना है प्रांत और परिसर तो बताओ प्रांत क्या होगा प्रांत और परिसर अगर ये ग्राफ सीख गए ना तो क्वेश्चन फील होने लग जाएंगे वरना फिर क्वेश्चन को रटोगे कहां पे जीरो आया बेटा प्रांत में जीरो कैसे होगा किस जगह बोल रहे हो इसका प्रांत परिसर बताओ बताओ जीरो कैसे होगा जीरो है ना अगर मैं यहां पर एक्स का मान जीरो पुट करता हूँ वाई का मान जीरो मिलेगा प्रांत क्या होता है वो एक्स की वैल्यू जो फंक्शन में रख ही जा सके बस तो एक्स बराबर जीरो रखोगे यहां पर तो वाई का मान बन है पुट कर रहे हो आप ठीक है प्रांत क्या होगा सर देखो x के अंदर कुछ भी रख सकते हैं तो प्रांत तो R है वैसे भी चेक कर लो परिसर क्या है सर y अक्ष पर चलकर देखो y अक्ष पर नीचे से चलना स्टार्ट करूंगा वैल्यूज मिलना मुझे स्टार्ट हो जाएंगी वैल्यूज मिलना मुझे स्टार्ट हो जाएंगी ऊपर जाऊंगा वैल्यूज मिलना मुझे स्टार्ट हो जाएंगी तो सर y का माइनस इंफिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक सारे के सारे मान आ रहे हैं तो हमें ऐसा दिख रहा है कि परिसर भी आर है और जो आपको दिखा वो एकदम परफेक्ट है क्लियर सबका सही वेरी गुड परफेक्ट अगर इस ग्राफ में सभी बच्चों ने आंसर सही किए हैं तो हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं ठीक एक और फंक्शन देख लो थोड़ा सा कातिलाना फंक्शन है इसमें हम बहुत गलतियां करते हैं तो मैं ऐसी उम्मीद करूंगा कि हम ऐसी गलती आगे से नहीं करेंगे हमने y बराबर एक्स हम पहले से जानते थे वाई बराबर एक्स स्क्वायर हम पहले से जानते थे वाई बराबर एक्स क्यूब कुछ बच्चे जानते थे कुछ बच्चे नहीं जानते थे पर अब हम सीख गए ठीक है जैसे डीएनए स्ट्रक्चर होता है ना लगभग लगभग ऐसा ही स्ट्रक्चर है एक फंक्शन है वाई बराबर वन अपॉन एक्स इसके बारे में आप जितना जितना इसे सोचोगे उतना अच्छी अच्छी चीजें आपको मिलेंगी पर मैं उतनी गहराई में अभी आपको नहीं लेकर जाना चाहता क्योंकि अभी हम छोटे नन्ने मुन्ने बच्चे हैं जब हम तीन चार महीने बड़े हो जाएंगे ना जब हमने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ लिया होगा अव कलच के अनुप्रयोग तब हम ये सारा डिस्कशन करेंगे अभी तो मैं ग्राफ बना रहा हूं आप देख लो कैसा ग्राफ बनेगा सर ऐसा ग्राफ बनने वाला है बड़ा प्यारा ग्राफ है इसका ऐसा ग्राफ बनने वाला है ठीक थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं हल्का सा ये क्या हुआ जिंदगी में समझना मेरी बात को ये वाई बराबर वन अपॉन एक्स है ठीक है अगर मैं एक्स का मान वन रखता हूं अगर मैं एक्स का मान वन रखता हूं तो वाई का मान क्या मिलेगा वन मिलेगा ठीक है अगर मैं एक्स का मान दस रखता हूं तो वाई का मान क्या मिलेगा वन अपॉन दस यानी कि जीरो पॉइंट वन मिलेगा यहाँ तक एग्रीमेंट है अगर मैं एक्स का मान सौ रखता हूँ तो वाई का मान क्या मिलेगा जीरो पॉइंट जीरो वन मिलेगा ठीक है वन अपॉन सौ जीरो पॉइंट जीरो वन अगर मैं एक्स का मान रखता हूँ आपका एक हजार तो वाई का मान क्या मिलेगा जीरो पॉइंट जीरो जीरो वन मिलेगा तो क्या दिखा हमें कि सर जैसे ही एक्स का मान एक से हमने बढ़ाना स्टार्ट किया वाई का मान कम होना स्टार्ट हुआ और वो बहुत तेजी से कम होता जा रहा है तो ये y की वैल्यू कम होनी स्टार्ट हो गई है और बहुत तेजी से कम होता होता जीरो की तरफ बढ़ रहा है पर कभी जीरो जाएगा नहीं ठीक है क्लियर यहां तक बात अगर मैं वन से छोटी वैल्यू रखूं जैसे मैंने x का मान रखा जीरो एक बटे दो एक्स का मान मैंने जीरो पॉइंट पांच रखा तो y का मान वन अपॉन जीरो पॉइंट पांच बराबर दो तो एक से छोटा रखा y बढ़ने लग गया और देखते हैं x का मान मैंने जीरो पॉइंट और पास आ गया मैं जीरो पॉइंट वन रखा x का मान मैंने जीरो पॉइंट वन रखा तो y का मान क्या आएगा y का मान वन अपॉन जीरो पॉइंट वन बराबर दस बन जाएगा ठीक है क्या हो रहा है सर जब मैं अगर मैं इस जगह पर वन मान के चलता हूं तो मैं एक के राइट में गया तो वाई बहुत तेजी से नीचे जाया और अगर मैं एक के लेफ्ट में आया तो वाई की वैल्यू इंक्रीज हो रही है वाई ऊपर की तरफ जा रहा है ठीक है एक्स का मान आप और पास ले गए जीरो के और पास चले गए जीरो पॉइंट जीरो हुआ सर जैसे जैसे एक्स को जीरो की तरफ लेके जाऊंगा वाई की वैल्यू बढ़ना स्टार्ट होगी ठीक है अगर ये डिस्कशन नहीं समझ में आया एक परसेंट भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है अच्छा डिस्कशन है एक अच्छा थॉट है आप अगर विचार करोगे तो आपको मजा आएगा कि यार सर मैथमेटिक्स कितना प्यारा सब्जेक्ट है ठीक है कितने अच्छी तरह से वैल्यू चेंज हो रही हैं पर नहीं करना कोई बात नहीं ग्राफ ऐसा होता है y इक्व टू वन अपॉन एक्स का ग्राफ ऐसा होता है ठीक है हाँ x अक्ष और y अक्ष को कभी टच नहीं करेगा कितना ही बड़े से बड़ा नंबर डाल देना संख्या छोटी होती जाएगी पर कभी जीरो नहीं बनेगी क्लियर है अब इसका प्रांत और परिसर बताओ चलो मुझे प्रांत परिसर सोच समझ के आंसर करो करो आंसर देख बेटा मेरी बात समझना हर डिस्कशन के लिए एक समय होता है जब आप धीरे धीरे थोड़ा सा मैथमेटिक्स में मैच्योर हो जाओगे तो हम बहुत सारे डिस्कशन कर पाएंगे इस ग्राफ के ऊपर तो अल्टीमेटली अभी जो हम नाइन्थ टेंथ में पढ़कर आते हैं इस तरह से आप देख लो अगर आप देखना चाहते हो तो अदरवाइज बहुत ज्यादा दिमाग लगाना मत जब समय आएगा दिमाग लगाने का तब बोलूंगा तब लगाना तब मजा आएगा ठीक है प्रांत की बात करते हैं तो सर मैं देख भी बता सकता हूं कि एक्स बराबर जीरो पर यह फंक्शन परिभाषित नहीं है तो वास्तविक संख्याओं में जीरो के अलावा सब कुछ इसका प्रांत होगा तो इसका प्रांत होगा आर माइनस जीरो क्या मेरी बात से एग्री हो बात से एग्री करते हो सर ग्राफ से कैसे देखें ग्राफ से देखना स्टार्ट करो अगर मैं माइनस इनफिनिटी से चलना स्टार्ट करता हूं मुझे वाई का कुछ ना कुछ मान मिल रहा है कुछ ना कुछ मान मिल रहा है कुछ ना कुछ मान मिल रहा है जैसे ही मैं एक्स बराबर जीरो पर आया जैसे ही मैं एक्स बराबर जीरो पर आया जैसे ही मैं एक्स बराबर जीरो पर आया मुझे ऊपर गया तो भी वाई का कोई मान नहीं दिख रहा है नीचे आया तब भी वाई का कोई मान नहीं दिख रहा है यानी x बराबर जीरो एक ऐसा बिंदु है जहां पर ग्राफ एग्जिस्ट करता ही नहीं है अगर आप माइनस इनफिनिटी से चलोगे आपको हर जगह ग्राफ दिखेगा हर जगह ग्राफ दिखेगा ये पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहां पर कोई ग्राफ नहीं है मतलब x बराबर जीरो को फंक्शन के अंदर डाला ही नहीं गया है अगर डाला गया होता तो ग्राफ हमें मिलता तो प्रांत क्या होगा सर आर में से जीरो को माइनस कर दो परिसर बताओ बेटा आदित्य मैंने बोला ना इसमें दिमाग इससे ज्यादा मत लगाओ अभी हम उतना नहीं पढ़े कि हम समझ पाए इतनी सारी चीजें हम्म परिसर कोई प्रैक्टिस नहीं करनी है ग्राफ याद रखना है सीधा सीधा सात आठ ग्राफ है याद रखना है कोई प्रैक्टिस नहीं करनी एनसीआरटी में बोर्ड में तो कम से कम जे की बात अलग है वहां तो बहुत सारी चीजें हम करेंगे हाँ क्या नाम है इस बच्चे का पहले हम परिसर निकालते हैं फिर डिस्कशन करते हैं परिसर अगर मैं निकालने जाऊं तो मैं क्या करूंगा वाई अक्ष पर चलना स्टार्ट करूंगा मैं जब वाई अक्ष पर चलना स्टार्ट करूंगा तो मुझे जैसे मैं इस जगह आ गया तो इस जगह पर मुझे एक्स का मान ये मिल गया अगर मैं यहां आया तो मुझे एक्स का मान कहाँ है ये मिल गया अगर मैं यहां आया तो मुझे एक्स का मान कहाँ है ये मिल गया मतलब ये सारे वाई की वैल्यूज़ एग्जिस्ट करेंगी ये वाई दुनिया में हैं अगर मैं यहां पर आता हूं तो मुझे यहां एक्स मिल जाएगा इस जगह आऊंगा तब भी मुझे एक्स मिल जाएगा इस जगह आऊंगा तब भी मुझे एक्स मिल जाएगा एक्स मिल जाएगा मतलब ये है कि इस एक्स के लिए ये वाई एग्जिस्ट करेगा इस एक्स के लिए ये वाला वाई होगा इस एक्स के लिए ये वाला वाई होगा इस एक्स के लिए ये वाई की वैल्यू मिलेगी पर एक्स का ऐसा कोई भी मान नहीं है एक्स का ऐसा कोई भी मान नहीं है कि आपको जीरो मिल जाए एक्स की ऐसी कोई भी वैल्यू आपको नहीं दिखेगी जो आपको ये बोले कि आपको मान जीरो दिख रहा है सोचो कहीं आपको y बराबर जीरो दिखा सर वाई बराबर जीरो मतलब ये वाला पॉइंट है इसके लिए कौन सा एक्स एग्जिस्ट करेगा सर इधर कोई एक्स हो सकता है इधर कोई एक्स हो सकता है पर ये ग्राफ तो अक्ष को टच कर ही नहीं रहा है अगर ग्राफ अक्ष को टच करता तो मैं बोलता इस वाले ग्राफ के लिए ये वाई जीरो आ गया अगर यहां ग्राफ एक्स अक्ष को टच करता तो मैं बोलता इस वाले एक्स के लिए वाई मान जीरो आ गया पर ग्राफ ने एक्स अक्ष को टच किया ही नहीं है तो अगर अक्ष को टच नहीं किया तो वाई का मान जीरो हमें मिल नहीं सकता तो परिसर में सब कुछ होगा जीरो को छोड़कर देखते हैं कितने बच्चे समझ पाए थोड़ा सा सोचना समझ में आ जाएगी बात आर माइनस जीरो परफेक्ट सही आंसर तो बड़ा इंटरेस्टिंग ग्राफ है बहुत अच्छा ग्राफ है बहुत अच्छा ग्राफ है एफ एक्स बराबर वन अपॉन एक्स जो है बड़ा शानदार ग्राफ है बहुत सुंदर सा इसका फोटो बनता है साथ में ध्यान रखने वाली बात यह है कि एक्स का मान में जीरो पुट भी नहीं कर सकता और वाई का मान मुझे जीरो मिल भी नहीं सकता ठीक है अब एक बच्चे का सवाल ये था हालांकि उस सवाल को लेने का अभी सही समय नहीं है सवाल ये था कि सर अगर मैं एक्स का बहुत बड़ा मान ले जाऊं एक्स का बहुत बड़ा मान ले जाऊं तो वाई का मान जीरो आ सकता है ठीक है उसने ये बोला पर आप कितना ही बड़ा मान ले लेना x का y की वैल्यू एग्जैक्ट जीरो नहीं मिलेगी आप ये जरूर बोल पाओगे आप ये जरूर बोल पाओगे कि जब x का मान अनंत की तरफ जाएगा ऐसा आप तब बोल सकते हो जब आपने इलेवंथ क्लास में लिमिट या सीमा पढ़ी हो कि जब x का मान इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो y का मान मुझे जीरो की तरफ जाता हुआ दिखेगा परंतु मैं मेरी जिंदगी में कभी अनंत तक पहुंचूंगा नहीं और कभी अगर अनंत तक मैं पहुंचूंगा नहीं तो कभी मुझे वाई जीरो मिलेगा नहीं हां बहुत बड़ी संख्या पे जीरो की तरफ दिखेगा कि ग्राफ वाई की वैली जीरो की तरफ चली गई पर वो जीरो होगी नहीं क्योंकि अनंत के अनंत नाम की कोई भी चीज इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती आप कितनी ही बड़ी से बड़ी संख्या सोच लो कितनी ही बड़ी से बड़ी संख्या मान लो आपको उससे बड़ा नंबर भी मिल जाएगा और इन्फिनिटी क्या है वो नंबर है जो सबसे बड़ा है पर आप वहां तक कभी पहुंचोगे नहीं ठीक है परफेक्ट है हाँ तो अब आते हैं आपके असली दर्द के ऊपर असली दर्द क्या है आपका मापांक फलन जिसे हम बोलते हैं मॉड्यूलस फंक्शन ये एक वो दर्द है जो हर एक ब, ये एक ऐसा फंक्शन है जो हर एक बच्चे को तकलीफ देता है ठीक है अब समझना इस बात को ध्यान से समझना बहुत सारे कंफ्यूजन आपके दूर हो जाएंगे बेसिकली मॉड्यूलस फंक्शन या मापांग फलन एक ऐसी मशीन है जिसके अंदर आप कोई सी भी संख्या एंटर कर दो आप चाहे प्लस का नंबर डालो आप चाहे माइनस का नंबर डालो रिजल्ट हमेशा आपको पॉजिटिव मिलेगा मतलब मॉड्यूलस एक ऐसी मशीन है जो प्लस को तो प्लस बना ही देती है क्योंकि प्लस तो पहले से ही प्लस है माइनस को भी प्लस में कन्वर्ट कर देती है कैसी मशीन है सर मापांग फलन एक ऐसी मशीन है जो माइनस की संख्या को प्लस की संख्या में कन्वर्ट करने के काम आती है मैथमेटिकली इसको लिखते कैसे हैं मैथमेटिकली हम इसको लिखते हैं कैसे लिखते हैं y बराबर एफ एक्स मॉड एक्स इसे हम पढ़ते हैं मोड एक्स के रूप में मोड एक्स मतलब मोड एक्स का मतलब वही मापांक दो डंडे जो लगे हुए हैं इनको हम के रूप में पढ़ते हैं मॉड्यूलस मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हुआ इसका काम ये काम है कि इस मशीन के अंदर ये दो जो दो डंडे आपको दिख रहे हैं इस मोड नामक मशीन के अंदर आप दुनिया की कोई सी संख्या एंटर कर दो रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव देगा कैसे देगा सर देखो अगर मैंने इसके अंदर एंटर, एंटर किया प्लस का टू तो आंसर आएगा प्लस का टू अगर मैंने एंटर किया माइनस का टू तो आंसर आएगा प्लस का टू ठीक है इस बात को मान के चलते हो अगर मैंने इसके अंदर एंटर, एंटर किया प्लस का सौ तो ये आंसर देगी प्लस का सौ अगर मैंने एंटर किया माइनस का सौ तब भी ये आंसर देगी प्लस का सौ ठीक है अब ये ऐसा चमत्कार होता कैसे है कि प्लस की संख्या भी प्लस में मिल जाती है माइनस की संख्या भी माइनस में मिल जाती है तो ऐसा चमत्कार करने के लिए इस मशीन को बहुत खूबसूरती से बनाया गया है। सर कैसे बनाया ऐसे बनाया इस मशीन को बोला गया कि भैया आपको इस तरह से काम करना है कि आपके अंदर जो संख्या डाली गई है अगर वो संख्या धनात्मक है तो आपको कोई काम नहीं करना बिल्कुल भी तकलीफ नहीं उठानी जो संख्या आपके अंदर इनपुट की गई है उसे ही आउटपुट में निकाल कर दे देना तो आप क्या करोगे जो अंदर डाला है वही आपको बाहर निकाल देना है अगर संख्या नेगेटिव नहीं है तो ठीक है जीरो होगा तो भी आपको मान जीरो ही मिलेगा मॉड जीरो होगा तब भी मान जीरो ही मिलेगा जीरो ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है पर अगर नेगेटिव संख्या इस मशीन के अंदर डाल दी गई या है सबसे अच्छा कमाल अगर इस मशीन में आपने नेगेटिव संख्या को एंटर कर दिया है तब ये मशीन बहुत अच्छी तरह से काम करेगी ये बोलेगी कि जो भी संख्या आपके अंदर डाली गई है जो भी संख्या आपके अंदर डाली गई है उसे माइनस से गुना कर देना है उसे माइनस से गुना कर देना है कब जब एक्स ऋणात्मक है सर इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हुआ कि इस वाले केस को देखो अगर मशीन के अंदर आपने मॉड टू को एंटर किया मशीन के अंदर मॉड माइनस टू को एंटर किया तो ये माइनस का टू क्या है एक नेगेटिव संख्या है मशीन क्या बोलेगी जो संख्या आपके अंदर डाली गई है उसे माइनस से गुना कर दो मशीन के अंदर क्या इन किया है आपने मशीन के अंदर माइनस के टू को इनपुट किया है मशीन क्या करेगी संख्या को माइनस से गुना कर देगी तो एक माइनस ये मशीन एक्स्ट्रा लगा देगी इससे क्या होगा सर संख्या का ऋणात्मक चिन्ह मशीन का ऋणात्मक चिन्ह दोनों आपस में गुना होगा और पॉजिटिव संख्या हमें मिल जाएगी तो ये जो जादू होता है कि नेगेटिव संख्या भी पॉजिटिव बन जाती है वो जादू इस तरह से होता है कि जब जब इस मशीन में नेगेटिव नंबर को एंटर करोगे ये फंक्शन एक नेगेटिव ऑलरेडी जनरेट करेगा और नेगेटिव नेगेटिव गुना होके पॉजिटिव बन जाएगा ठीक है नेगेटिव बेटा अश्विनी थोड़ा धीरज रखो समय के साथ आंसर मिलेंगे बात समझ में आ गई एक एग्जांपल ऑल लें सर इसको लेते हैं सर मशीन के अंदर माइनस सौ मैंने एंटर किया तो फंक्शन क्या बोलेगा जो भी संख्या है उसे लिख लो हमने लिख लिया हमने लिख लिया माइनस का सौ फिर क्या करेंगे सर इसे माइनस वन से गुना कर दो तो इसे माइनस से गुना कर दिया तो रिजल्ट क्या आएगा प्लस का सौ आएगा क्या यहां तक कोई दिक्कत है क्या यहां तक कोई दिक्कत है पूरा फंक्शन कैसे काम करेगा ये हम समझ गए ठीक है अब तकलीफ पता है कहां आती है तकलीफ ये हटा दू मैं इसको मैं हटा देता हूं अब ठीक है तकलीफ कहां आती है बताऊं तकलीफ यहां आती है कहां आती है अगर अगर आपको एक क्वेश्चन दिया गया कि मोड ए अब मैं क्या करूं तकलीफ कहां आई अब अगर मॉड टू लिखा है तो आप प्लस का दो लिख दोगे अगर मोड माइनस टू लिखा है तो भी आप प्लस का दो लिख दोगे कैसे माइनस टू को माइनस से गुना कर दोगे परंतु आपको लिख दिया कि मोड ए या ऐसे लिख दिया चलो इसको भी छोड़ो आपको लिख दिया मोड एक्स माइनस वन तब हमारी तकलीफ स्टार्ट होती है कि अब क्या करें अब क्या करें अब ये यहां पर मुझे प्लस का चिन्ह लगाना चाहिए मतलब इसको मुझे क्या ऐसे लिखना चाहिए या मुझे ऐसे लिखना चाहिए यह कंफ्यूजन है यह कंफ्यूजन है जो बच्चों को होता है कि या ऐसे लिखूं या ऐसे लिखूं ठीक है यही दिक्कत है ना हमारी लाइफ की बाकी तो कोई तकलीफ नहीं है अगर आपको ये लिख कर दे दिया मॉड टू तो आप लिख दोगे टू मॉड माइनस टू तो आप लिख दोगे माइनस का माइनस टू बराबर प्लस का टू बहुत आसानी से काम में ले लोगे अब क्या करें तो बात को समझना जब आप श्योर हो जब आपको ये बात पता है कि मॉड के अंदर की संख्या पॉजिटिव है तो आप क्या करोगे ये नियम लगाओगे उसी संख्या को बाहर निकाल दोगे कब जब मुझे मालूम है कि मोड़ के अंदर पॉजिटिव संख्या डाली गई है तो उसी संख्या को बाहर निकालोगे जब मुझे मालूम है कि मोड़ के अंदर माइनस टू यानी मोड़ के अंदर नेगेटिव संख्या है तो आप क्या करोगे उसे माइनस चिन्ह के साथ बाहर निकाल दोगे पर जब मुझे मालूम नहीं है कि मॉड के अंदर संख्या पॉजिटिव है या नेगेटिव है तो मैं क्या करूंगा मैं फिर सारी संभावनाओं के बारे में सोचूंगा कि क्या पता मॉड के अंदर का नंबर पॉजिटिव हो जाए क्या पता के अंदर का नंगर, नंबर नेगेटिव हो जाए बात तो समझना यहां मेरी लाइफ में कोई कंफ्यूजन नहीं है मैंने फट से आंसर कर दिया यहां कंफ्यूजन आ गया क्या पता x माइनस वन धनात्मक हो अगर x माइनस वन धनात्मक हुआ तो क्या होगा रिजल्ट ये आएगा अगर x माइनस वन ऋणात्मक हुआ तो क्या होगा रिजल्ट ही आएगा क्या आप मुझे बता सकते हो एक्स माइनस वन प्लसिव है सर हमें नहीं पता अगर x का मान माइनस पांच लेता हूं तो एक्स माइनस वन नेगेटिव है तो ऐसे केस में जब मुझे नहीं पता कि मॉड के अंदर डाली गई संख्या पॉजिटिव है या नेगेटिव है तब हम दो केसेस बनाते हैं तब हम क्या करते हैं दो केसेस बनाते हैं क्यों बनाते हैं क्योंकि हम श्योर नहीं है अगर हम श्योर नहीं है तो फिर हम मैथमेटिक्स में सारे जितने भी पॉसिबल तरीके हो सकते हैं सबको लिखने की कोशिश करेंगे तो हम केस बनाते हैं कि क्या पता क्या पता ऐसा हो जाए कि x माइनस वन जो है इसका मान जीरो से बड़ा हो जीरो के बराबर या जीरो से बड़ा हो मतलब x माइनस वन नॉन नेगेटिव नंबर है अगर x माइनस वन नॉन नेगेटिव यानी ऋणितर संख्या है तो ये मोड नामक मशीन क्या करेगी जो अंदर इन किया है उसे ही बाहर निकाल के दे देगी तो ये क्या करेगी ये बोलेगी एफ एक्स बराबर वन बात समझ आई बात समझ आई दो कंडीशन क्यों बनी दो कंडीशन बनी मुझे नहीं पता एक्स माइनस वन पॉजिटिव है नेगेटिव है अगर पता होता तो मैं एक एक ही लाइन में आंसर कर देता पर नहीं पता क्या पता पॉजिटिव हो जाए तो वो सारे केसेस ले लोग जब पॉजिटिव है वो केसेस कौन है कि x माइनस वन का मान जीरो से बड़ा है तो यहां से क्या मिलेगा यहां से आपको मिलेगा x का मान एक से बड़ा है तो जब भी आप x का मान एक से बड़ा एंटर करोगे जब भी आप x का मान एक से बड़ा एंटर करोगे तो x माइनस वन ऑब्वियसली पॉजिटिव हो जाएगा अगर x माइनस वन पॉजिटिव हो गया तो एफ एक्स में सेम चीज बाहर आ जाएगी बात समझ गए अगर ऐसा हो गया अगर ऐसा हो गया केस सेकंड x माइनस वन नेगेटिव हो गया अगर ऐसा हो गया कि x माइनस वन नेगेटिव हो गया तो मशीन क्या करेगी जो भी अंदर डाला है अंदर क्या आपने एंटर किया है अंदर आपने एंटर किया है क्या एंटर किया है, एंटर किया है? x माइनस वन उस जो भी अंदर आपने मॉड के अंदर जो भी वैल्यू पुट की है अगर वो वैल्यू नेगेटिव है कहां से पता लगा ये रहा कि नेगेटिव है तो उस संख्या के आग्रे एक माइनस का चिन्ह लगा देना बात खत्म क्लियर है बात समझ में आ गई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए एटलीस्ट मेरे साथ जब तक पढ़ो इस पूरे साल ये मत बोलना कि सर हमें नहीं समझ आता मोड में कब दो केस बनाते हैं कब केस नहीं बनाते लॉजिक समझ लो एक बार बस ताकि आगे तक तकलीफ ना आए बात क्लियर है क्या बात क्लियर जल्दी बोलो हा ना हा ना क्लियरिटी समझ आ गया कोई कंफ्यूजन नहीं है चलो अंकित बेटा कहीं और जाके पढ़ाई करो यहां पढ़ने दो बच्चों को चलो आगे बढ़ते हैं ठीक है अब बात करते हैं ग्राफ की तो ग्राफ तो बड़ा आसान है कैसे बड़ा आसान है देखो ये रहा वाई अक्ष ये रहा एक्स अक्ष ठीक है तो जब एक्स का मान पॉजिटिव है एक्स का मान पॉजिटिव कहां होगा सर ये रहा मूल बिंदु इधर एक्स पॉजिटिव होता है एक्स पॉजिटिव कहां है जीरो के राइट में एक्स पॉजिटिव है अगर जीरो के राइट में एक्स पॉजिटिव है तो फंक्शन कहां है फंक्शन है एफ एक्स बराबर एक्स यानी जब एक्स पॉजिटिव है तो वाई का मान एक्स के बराबर है वाई बराबर एक्स का ग्राफ कैसा होता है सर वाई बराबर एक्स का ग्राफ इस तरह का होता है ये क्या है ये ग्राफ है वाई बराबर एक्स का ठीक जब एक्स नेगेटिव है जब एक्स नेगेटिव है क्या मतलब है नेगेटिव का मतलब है आप मूल बिंदु के लेफ्ट में हो अगर आप मूल बिंदु के लेफ्ट में हो तो एक्स नेगेटिव हो जाएगा एक्स नेगेटिव हुआ तो फंक्शन क्या हो जाएगा तब फंक्शन हो जाएगा वाई बराबर माइनस एक्स और वाई बराबर माइनस एक्स का जब आप ग्राफ बनाने जाओगे कैसे बनाओगे सर एक्स का मान अगर मैंने माइनस वन रखा अब एक्स का मान वन मत रख देना क्यों क्योंकि एक्स नेगेटिव है एक्स का मान माइनस वन रखोगे तो वाई का मान क्या आएगा वन अगर आप यहां ऐसी बातें कर दोगे कि एक्स का मान मैं वन पुट कर दूं तो एक्स का मान वन आप पुट कर नहीं सकते क्योंकि तो x का मान वन पुट करोगे एक्स पॉजिटिव हो जाएगा एक्स पॉजिटिव हो जाएगा तो आपको इसे फॉलो करना पड़ेगा तो आपकी मजबूरी है कि x को नेगेटिव रखना ही रखना है ठीक है तो माइनस वन पर वैल्यू प्लस का वन है अगर x का मान आपने माइनस का टू रखा तो y का मान प्लस का टू है ठीक बात समझ आ गई तो सर ये एक ऐसी लाइन बनेगी ये एक ऐसी लाइन बनेगी ये किसका ग्राफ है सर ये है वाई बराबर माइनस एक्स का ग्राफ तो ये है आपका मॉड फंक्शन वी शेप में क्लियर तो इतनी कहानी समझ आए बहुत अच्छी बात है नहीं समझ आए तो इस ग्राफ को तो याद रखना ही पड़ेगा क्लियर अब बहुत दो मेरे बहुत आसान आसान सवाल प्रांत क्या और परिसर क्या बस इतना बता दो मुझे तो प्रांत क्या और परिसर क्या यार अश्विनी ना मेरी बात समझना ये बच्चा बहुत देर से दुख दे रहा है सर स्क्वायर रूट और मॉड में क्या फर्क है मॉड और एक्स स्क्वायर में क्या फर्क है शांति रखो समय के साथ आंसर मिलेंगे आपको या तो आप क्लास से आगे चल रहे हो तो तकलीफ आ जाएगी अगर आपको मतलब ज्ञान का प्रदर्शन करना हो तो साढ़े सात बजे आया करो साढ़े सात बजे वाली क्लास ज्ञान के प्रदर्शन के लिए है वहां हमें सिर्फ महारथी लोग चाहिए क्योंकि वहां पर क्वेश्चन महारथी करते हैं हम ठीक है अभी हम बोर्ड पढ़ा रहे हैं तो बोर्ड के हिसाब से पढ़ाने दो क्लियर है तो प्रांत सर x का हर एक मान रखा जा सकता है प्रांत क्या होगा आर होगा कोई तकलीफ नहीं है परिसर सर y का मान जब नेगेटिव है तो ग्राफ एग्जिस्ट ही नहीं करता y का मान जब पॉजिटिव है तो ग्राफ एग्जिस्ट करता है y की सबसे छोटी वैल्यू क्या है जीरो है तो परिसर आपका होगा जीरो टू इंफिनिटी जीरो पर क्लोज इंटरवल इंफिनिटी पर ओपन इंटरवल बात क्लियर है एक छोटा सा बस आखिरी टॉपिक मैं आपका लेता हूं फिर हम क्लास को वाइंड अप करेंगे उसको लिखोगे कैसे ये सब समझने के लिए लिखा है मैंने है इसको नोट करना हो कर लेना नहीं करना हो आपका मन है बेसिकली आपको ये लिख के रखना है ये वाला बाकी तो सब समझने के लिए है आपका मन करे लिखना नहीं मतलब कॉपी में साइड में रफ वर्क करके लिख लेना जो भी आपको जिस भी लैंग्वेज में लिखना हो एक छोटा सा सवाल और है फिर मैं क्लास को वाइंड अप करूंगा मॉड एक्स का मान पांच के बराबर है तो एक्स का मान क्या होगा ठीक फिर आपको मॉड जिंदगी में कभी तकलीफ नहीं देगा मॉड एक्स का मान अगर पांच के बराबर है तो एक्स का मान क्या होगा अब बात को समझना एक्स का मान क्या होगा ठीक आंसर आप में से ज्यादातर को पता होगा पर आंसर आया क्यों वो समझो बेसिकली एक समीकरण है ये एक समीकरण है तो समीकरण को हल करके मुझे x के मान निकालने हैं इस क्वेश्चन का मतलब यह है कि ये एक समीकरण है और उस समीकरण को हल करके x का मान निकालना है या अगर मैं दूसरे शब्दों में बोलूं तो दुनिया में जितने भी x एग्जिस्ट करते हैं उन x में से x के वह मान जो mod x बराबर पांच को संतुष्ट करते हैं यह मेरा आंसर होगा अब बात समझना मोड x की वैल्यू पांच के बराबर है ये कब कब आ सकती है सर ये दो तरीके से आ सकती है दो तरीके से आ सकती है मॉड पांच का मान भी पांच होता है मॉड माइनस पांच का मान भी पांच होता है दो तरीके से आ सकती है मॉड पांच का मान भी पांच होता है मॉड माइनस पांच का मान भी पांच होता है तो मॉड एक्स का मान पांच कब कब आ सकता है जब ये जो अंदर एक्स लिखा हुआ है ना जब ये जो अंदर एक्स लिखा हुआ है इस एक्स का मान अगर पांच होगा तो मौड़ पांच का मान पांच मिलेगा एक तरीका ये है अगर अगर ऐसा भी हो जाए कि x का मान माइनस पांच हो तो मोड़ माइनस पांच का मान भी पांच ही मिलेगा तो मोड़ दे बराबर है तो x के दो मान इसे संतुष्ट करेंगे एक तो मोड़ पांच का मान पांच आएगा एक माइनस के पांच में भी मोड़ माइनस पांच का मान पांच आएगा तो हम इसको इस तरह से लिखते हैं हम इसको इस तरह से लिखते हैं कि यहां पर एक्स का मान प्लस माइनस पांच होगा क्लियर है चलिए तो आपको कुछ छोटे छोटे से काम करने हैं छोटे छोटे से काम क्या करने हैं एक काम तो ये करना है आपको कि क्लास को आपको लाइक कर देना है जितने भी बच्चे अभी देख रहे हैं उससे ज्यादा लाइक मुझे दिखे जब मैं क्लास को एंड करूं ठीक सेकंड काम आप क्या करोगे क्लास आपको कैसी लगी ये आपको कमेंट करके बताना है इसके दो फायदे हैं कौन कौन से दो फायदे हैं पहला फायदा तो ये है कि जो बच्चे क्लास में कमेंट करते हैं उनके नाम मुझे याद रहते हैं जो सही कमेंट करते हैं नॉनसेंस वाले नहीं तो जो बच्चे कमेंट करते हैं उन उनके मुझे नाम याद रहते हैं और नाम याद रहने का बेनिफिट ये रहता है कि जब डाउट ग्रुप में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो मैं बच्चे से कनेक्ट कर पाता हूँ कि हाँ यार ये बच्चा क्लास में आता है क्लास में रोजाना पढ़ता भी है क्लास में क्या कहते हैं आंसर भी करता है क्लास के बाद ये भी बताता है क्लास कैसी लगी तो इस बच्चे का डाउट जेन्युइन होगा तो इसका आंसर करना ज़रूरी है तो कमेंट करने से आपके नाम मुझे याद होने लगते हैं और अभी तक मुझे मोटा मोटा सत्तर अस्सी बच्चों के नाम याद हैं वो अलग अलग रीजन से हो सकते हैं मतलब वो मेरे टच में हैं या तो उनके डाउट ग्रुप के थ्रू टच में हैं या कॉल सेंटर के थ्रू टच में आए या फिर पर्सनल मैसेज के थ्रू टच में आए पर कहीं ना कहीं मुझे उनके नाम याद हैं तो अगर आप चाहते हो कि मुझे ये मालूम रहे कि ये बच्चा मेरे से पढ़ता है तो उसका एक ही तरीका आपको कॉमेंट करना पड़ेगा बार बार करना पड़ेगा तभी जाके मुझे रिकॉल रहेगा ठीक तीसरा काम आपको ये करना है कि आपको क्लास को शेयर करना है बस आपको शेयर करके छोड़ देना है आप आपके यार दोस्त रिश्तेदार जो भी हैं उनको लिंक फॉरवर्ड कर सकते हो स्टेटस वगैरह आप क्लास के लिंक लगा सकते हो बस आपको सिर्फ बताना है कि हिंदी मीडियम में इतना अच्छा कंटेंट पढ़ाया जाता है उसके बाद सामने वाले की मर्जी है पढ़े तो पढ़े ना पढ़े तो ना पढ़े ठीक चलिए तो कल की क्लास भी जरूरी होने वाली है कल की क्लास में हम जी आई ए फंक्शन यानी कि महत्तम पूर्णांक फलन को पढ़ेंगे उसके बाद हम ट्वेल्थ क्लास का सिलेबस स्टार्ट करेंगे वो है फलनों का प्रकार वन वन ऑन टू फंक्शन के बारे में डिस्कशन करेंगे तो अब अब के बाद आप किसी भी क्लास को मिस करने की पोजिशन में हो नहीं क्योंकि कैलकुलस पूरा एक दूसरे से कनेक्टेड रहेगा अगर आप बीच में क्लासेज मिस करते जाओगे तो आगे आपको तकलीफ आएगी और ये मेरी गारंटी है कि अगर आपने सारी क्लासेस पढ़ी तो आज के तीन महीने बाद आपके मुंह से सिर्फ एक बात निकलेगी कि सर वो लोग वो लोग बेवकूफ हुआ करते थे जो बोलते थे कि अवकलन समाकलन करने में आपको पसीने आ जाएंगे अवकलन समाकलन से आसान तो कुछ भी नहीं है लाइफ में और ये सच्चाई है जो मैथमेटिक्स को बहुत करीब से जानते हैं उनको पता है कि कैलकुलस मैथमेटिक्स की बहुत इजी ब्रांच है ठीक है चलिए तो क्लास आपको कैसी लगी क्लास के बाद कमेंट सेक्शन में जरूर से आपको बताना है आज की क्लास में इतना ही फिर मिलते हैं कल साढ़े छह बजे तब तक के लिए जय हिंद जय जे भारत जेडबल की क्लास पांच मिनट में स्टार्ट कर रहा हूं तो जिनको भी आईआईटी पढ़नी है वो अपने आईआईटी वाले चैनल